सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, आज सर्वप्रथम पोता ग्रुप ऑफ एजुकेशन लक्ष्मण नगर नंबर योगदान क्लास नाम सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और पत्र लेखन की श्रृंखला हमारी चली हुई है, उसकी अगली कड़ी में हम आज सर्वप्रथम बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या है? प्रेस विज्ञप्ति के नाम से हम शायद ही किसी न किसी रूप से परिचित होंगे, लेकिन इसका लेखन किस प्रकार होता है, इसमें क्या विशेषताएं होती है, प्रेस विज्ञप्ति कहाँ काम आती है, तो बीए प्रथम वर्ष और बीए बीएड के सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं उनके सामान्य नीति के सिलेबस में ये प्रेस विज्ञप्ति शामिल है। यानी चार अंक, ये चार अंक की पेपर में आती है, पेपर में इसके चार अंक निर्धारित है। तो प्रेस विज्ञप्ति के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या है। सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति कहते किस पर है, प्रेस विज्ञप्ति क्या है? सरकारी एवं गैर सरकारी शब्दों पर ध्यान दें, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा किसी निर्णय, निर्देश तथा किसी निश्चय उपक्रम, यानी निश्चित जो उपक्रम होते हैं, को समाचार पत्र टेलीविजन रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। पत्र के इस प्रारूप को प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। समझे? उन्हें थोड़ा सा और दोबारा इसका दोहरान करेंगे कि सरकारी एवं गैर सरकारी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट रूप से हो, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा जब कोई निश्चित निर्णय, आदेश, निर्णय या कोई निश्चित उपक्रम, निर्देश आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जब आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो ये समाचार पत्र या प्रिंट मीडिया कह सकते हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जो आम लोगों तक ये पहुंचाई जाती है, तो इस प्रारूप को हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कार्यालय कोई भी हो, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, टेलीविजन समाचार पत्र रेडियो के माध्यम से जो अपने उद्देश्यों को, अपने निर्णयों को, अपने उपक्रमों को जब आम लोगों तक पहुंचाता है, तो उस प्रारूप को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के करवाने तक ये है कि प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्र आदि में छपकर ही आम लोगों तक पहुंचाई जाती है। ये समाचार पत्र का अपना एक हिस्सा है। समाचार पत्र में जो रिपोर्टर है, समाचार पत्र को छापने में जो काम करे, एडिटर वगैरह है, वो अपने हिसाब से इस प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक निर्धारित कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसे किस कलेवर में प्रस्तुत करना, आम लोगों तक पहुंचाना है, वो इसमें फिर बदल कर सकते हैं। तो ये प्रेस विज्ञप्ति कहने का मतलब है कि किसी भी विज्ञापन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी कंपनी द्वारा, किसी कार्यालय द्वारा किसी भी विज्ञापन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे सुंदर कलेवर के रूप में समाचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसको प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, प्रेस विज्ञप्ति की जो क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, थोड़ा इस पर हम प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रेस दूसरी बात है कि प्रेस, आप देखो नंबर एक कि प्रेस विज्ञप्ति
प्रेसविज्ञप्ति का जो लेखन है, प्रेस विज्ञप्ति का लेखन, लेखन संक्षिप्त वे सारगर्भित होना चाहिए, सारगर्भित, सारगर्भित हो कि पहला विशेषता कि प्रेस विज्ञप्ति में जो लेखन है वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए और सारगर्भित हो, जिसमें मूल विषय को जिसमें बखूबी पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो, यानी कितने कम शब्दों में संक्षिप्त, मतलब संक्षिप्त कम शब्दों में लिखा जाए और उस में मूल जो मूल विषय है उसका पूरा सार समाहित हो, तो ऐसा हमें प्रेस विज्ञप्ति को लिखना चाहिए। दूसरी बात है इसकी कि प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों का हिस्सा है, यानी प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों का हिस्सा है। प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों का क्या है? हिस्सा है। समाचार पत्रों में विज्ञप्तियों का होना एक आवश्यक वस्तुता पड़ता है, एक आवश्यकता है, क्योंकि समाचार पत्रों को पत्र आम लोगों तक पहुंचते हैं, उसमें जो जो भी कंपनी सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा जो भी विज्ञापन प्रेषित किए जाते हैं, जो देश जो निर्णय जो संदेश प्रेषित किए जाते हैं उसे वो आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें उनसे लाभान्वित हो जाते हैं। अब देखिए इसमें संक्षिप्तता भी है, तो समाचार पत्रों का ये एक हिस्सा है, समाचार पत्रों में इसमें छापा जाता है और समाचार पत्र में एक विशेषता डालने में अपने शीर्षक से इसे छाप सकते हैं, अपने शीर्षक से, शीर्षक से इसे छाप सकते हैं, यानी शीर्षक जैसे समाचार पत्र के लिए स्वतंत्रता है, छूट है, छाप सकते है। अपने यानी अपना शीर्षक, अपना शीर्षक से इसे छाप सकते हैं, यानी समाचार पत्र अपने स्वयं के शीर्षक निर्धारित करके इस प्रेस विज्ञप्ति को समाचारों में छाप सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि समाचार या प्रेस विज्ञप्ति तथ्यात्मक हो, तथ्यात्मक हो, उद्देश्यपूर्ण हो, तथ्यात्मक हो, तथ्यात्मक हो, उद्देश्यपूर्ण हो, यानी प्रेस विज्ञप्ति में तथ्य पूरी तरह से मौजूद होने चाहिए, किस तथ्यों का आधार बनाकर इस विज्ञापन को या इस विज्ञप्ति को प्रेषित किया गया है। उद्देश्यपूर्ण क्या उद्देश्य है, किसी सरकारी संस्था का या गैर सरकारी संस्था का क्या उद्देश्य उसमें निहित है, तो उस को उसमें दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद दूसरी बात कि कोई संस्था या व्यक्ति किसी बैठक संस्था या व्यक्ति किसी बैठक में जो भी निर्णय लेता है, जो भी निर्णय लेता है, जो भी निर्णय लेता है, इस व्यक्ति में छ
छापा जाता है प्रेस करते प्रेस व्यक्ति के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाता है कि क्या निर्णय लिया है। यानी किसी बैठक में चाहे वो संस्थागत हो या व्यक्तिगत बैठक हो किसी प्रकार की बैठक हो उसमें जो निर्णय लिया जाता है उसे प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप देकर समाचार प्रेषित कर दिया जाता है। और दूसरी बात है कि प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किसी निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाए कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये भी बताया जाता है किसी भी कार्य का निर्णय लेने में क्यों विलंब हुआ और विलंब हुआ तो उसका कारण क्या है इसको भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद अब इस पर थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि जो प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रारूप है उसमें कौन कौन से शब्द कौन कौन से संकेत वाक्य कहाँ कहाँ देखे जाते हैं हमें इस पर बड़ा ध्यान देना। ये हमारे मूल रूप से संरचना है हमारे मूल रूप से संरचना है कि विज्ञप्ति को किस प्रकार लिखें कौन कौन से वस्तु कौन कौन से शब्दों को कहाँ कैसे जमाएं पूरी संरचना और यहां देखते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम प्रारूप इसका हम प्रारूप देखते हैं प्रारूप क्या है कोई विज्ञप्ति अब सर्वप्रथम ये देखेंगे प्रारूप पढ़ने से पहले क्या उसकी दो तीन विशेषता है उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या देखेंगे कि सबसे ऊपर दाहिनी ओर हाँ सबसे यानी सबसे पहले इसको कैसे करते हैं सबसे ऊपर दाहिनी ओर ये दाहिनी ओर तो यहाँ सूचनार्थ या प्रश्नार्थ लिखा जाता है तो यहाँ लिख देंगे सूचनार्थ क्या लिख देंगे प्रे इधर दाएं तरफ किसको अंकित कर देंगे प्रारूप के नीचे ठीक है। उसके बाद ये शीर्षक पद होती है इसका शीर्षक क्या हमें लिखना है उसके बाद विज्ञप्ति का शीर्षक यहां इसके नीचे थोड़ा सा विज्ञप्ति का क्या है वो हम ध्यान लेंगे क्योंकि शीर्ष विज्ञप्ति में शीर्षक होना अत्यंत आवश्यक है किस शीर्षक से इसको छापा गया है। अब देखिए इधर हम ये ध्यान देंगे ये तो पर अब यहां पर दिनांक और स्थान दिनांक वह स्थान का नाम यहाँ लिखेंगे कहाँ किस स्थान से ठीक है इसमें इसके थोड़ा प्रारूप अन्य पत्रों के अलावा थोड़ा सा प्रारूप इसका अलग है क्योंकि हमें ध्यान देना है। अब इसके नीचे फिर यहाँ ये समझ इसमें हम क्या लिख देंगे विषय वस्तु विषय वस्तु और विषय वस्तु क्या है प्रेस विज्ञप्ति की क्या विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को हम यहाँ पर लिखते हैं। दूसरी बात जो प्रेस विज्ञप्ति जिस आधार पर हमने समाचार पत्रों में प्रसार प्रसार के लिए ताकि उसमें तथ्यात्मक आंकड़े क्या है तथ्यात्मक आंकड़ों से क्या है प्रेस विज्ञप्ति की जो सच्चाई है वो समझना आने लगती है प्रेस विज्ञप्ति की जो यथार्थ है वास्तवता है वो समझना आते हैं तथ्यात्मक आंकड़े उसके नीचे लिए देते हैं। उसके बाद जो प्रेस विज्ञप्ति का अधिकारी है जो लिख रहा है वो इधर बाई दाई तरफ अधिकारी अब कार्यालय जो अधिकारी है
अधिकारी का नाम लिख देंगे, यहाँ हस्ताक्षर लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? अधिकारी का नाम, उसका हस्ताक्षर यहाँ लिख देंगे और पद का नाम भी लिख देंगे, नीचे आ जाएगा पद का नाम, पद का नाम, पद का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रतिलिपि, क्योंकि अभी प्रेस विज्ञप्ति को छपवाने के पीछे जो तथ्यात्मक का आंकड़े दिया जाते हैं उनको प्रतिलिपि उसके साथ संलग्न करनी पड़ती है, तब जाके समाचार पत्रों में उसे पूर्ण रूप से छापा जाता है। तो प्रतिलिपि जहां हम बाई तरफ लिख देंगे प्रतिलिपि, प्रतिलिपियां, लिपियां। अब प्रतिलिपियां क्या है, वो नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, कितने भी प्रतिलिपियां हो सकती है, चार पांच प्रतिलिपियां जो भी है उसको संलग्न करने के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद अधिकारी का हस्ताक्षर पत्र का नाम हमें लिखने वाले का किसको लिख रहे हैं, भवदीय, ठीक है, भवदीय। अब भवदीय में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर लिखेंगे जिससे कि पता चले अधिकारी का नाम, अधिकारी का नाम, ठीक है, हस्ताक्षर नाम, पद नाम, आदमी, ठीक है। आप भवदीय यहां लिखेंगे, भवदीय भवदीय लिख देंगे, नाम लिख देंगे, पद का नाम पे लिख देंगे, यहां नाम और पद ये हम लिख देंगे, यानी भवदीय को लिखने वाले अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, पद नाम, ठीक है ना। तो इधर ये पूरा का पूरा जो प्रारूप है ये प्रेस विज्ञप्ति का है और प्रेस विज्ञप्ति को किसी के अनुसार बनना पड़ता है, क्योंकि प्रेस व्यक्ति के निश्चित समय में जो प्रकाशन और प्रसारण होता है, है उसके लिए निश्चित समय और स्थान भी उसमें उल्लेखित होता है, कहाँ से किस स्थान से किस समय इसका प्रसारण होगा प्रेस व्यक्ति का। दूसरी बात, समाचार, आप इस प्रेस व्यक्ति को समाचार पत्रों में, दूरदर्शनों में, रेडियो में इसको प्रसारित किया जाता है, कहने का मतलब है समाचार पत्रों का या अन्य माध्यमों का ये एक हिस्सा है, ये क्या है, ये अनिवार्य हिस्सा है क्या, प्रेस विज्ञप्ति। तो इस तरह प्रेस विज्ञप्ति का हम इसका प्रारूप समझ सकते हैं और इसके अनुसार ये इसको हम शब्द रूप में लिख सकते हैं, है ना, इसका वर्णन कर सकते हैं, इसको जमा कर इसको आसानी से लिख सकते हैं। एक बार फिर देख लें प्रारूप, प्रारूप सर्वप्रथम, उसके बाद जाइए सूचना, किस सूचना के लिए, प्रसारण के लिए, सूचना के लिए, कौन सी सूचना, किस प्रसारण के लिए, तो वहां इसको बोरा लिख देंगे। विज्ञप्ति का शीर्षक, विज्ञप्ति का शीर्षक होना अत्यंत आवश्यक है, तो यहाँ विज्ञप्ति का शीर्षक लिखेंगे। इधर जहां से विज्ञप्ति प्रसारित हो रही है, किस दिनांक को हो रही है, उस दिनांक और स्थान का नाम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद विषय वस्तु, विज्ञप्ति की क्या विषय वस्तु है, सॉरी प्रेस विज्ञप्ति की क्या विषय वस्तु है, ये क्या किस विषय में लिख रहे हैं, तो वो विषय वस्तु लिख देंगे। विषय वस्तु के साथ इसको और पुष्ट और वास्तविक और सत्यता का, सत्यता का प्रमाण देने के लिए इसमें तथ्यात्मक आंकड़ों का हम बोरा जरूर दे देंगे, जिससे कि ये आम लोगों तक पहुंच जाए और इसकी जो निर्णय उद्देश्य है उसका पूर्ण सत्य हो। प्रतिलिपियां, प्रतिलिपियां यानी प्रेस विज्ञप्ति के साथ जो तथ्यात्मक आंकड़े दिए जाते हैं, जो विषय वस्तु दी जाती है, इसकी इसकी सत्यता के लिए इसकी क्रिया कुछ प्रतिलिपियों को संलग्न कर दिया जाता है, ठीक है। और अधिकारी का नाम, जिस अधिकारी को, जो अधिकारी है, जिस कार्यालय से अधिकारी लिख रहा है, उस अधिकारी का नाम लिख देंगे, हस्ताक्षर लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे और अंत में उनका शुक्रिया अदा करते
समापन कर दें। तो इस प्रकार मित्रों ये प्रारंभ जो प्रारंभ जो है हम आसानी से लिख सकते हैं। बसलते हैं इसको समझने के बाद एक कार्य बड़ी आवश्यकता रहती है, वो है निरंतर अभ्यास। इसे जब तक आप अपने पाठ्य अभ्यास पुस्तिका को निरंतर नहीं करेंगे, इसका अभ्यास निरंतर नहीं करेंगे, इसका लिखने का प्रयास नहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए लिखकर हमें गलतियाँ होती है, बार बार प्रयास करने से गलतियां दूर हो जाएंगी। तो इन पत्रों को आप एक बार पढ़ें और लिखकर उसको कम से कम, ठीक है। आज का ये जो ऑनलाइन क्लास का जो आज का जो पाठ है वो भीतर का पूछता है प्रेस कल के लिए। एक अंतिम पत्र का जो प्रारंभ बचा है वो है निविदा। निविदा का